अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम इंसर्ट में कुछ और काम करेंगे, कुछ और न्यू चीज़ों को आपको सिखाएंगे। आप लोगों उन्हें उन चीज़ों को सीखना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपके बहुत काम के आने वाली चीज़ें हैं, तो आप लोगों ने इसी पर फोकस करना होगा। तो अभी तक हमने होम कर लिया, होम में सारे फंक्शनलिटी जितने भी टैब्स है उसमें, होम मेन्यूस है, जितने भी हमारे पास रिबन में जो चीज़ें भी हैं उन चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया। आज हम इंसर्ट में कुछ और मेन्यूज में कुछ और चीज़ें को सीखेंगे, तो आई होप आप इंजॉय भी करेंगे। एंड आप जब इनको प्रैक्टिकली खुद करोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, एंड आप वो नई नई चीज़ों को खुद भी सीखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड इंसर्ट में हम जो है ना कुछ आज के लेक्चर में हम इंसर्ट पर काम करेंगे। इंसर्ट में हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, उन सारे को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आई होप आप सब इंजॉय भी करेंगे एंड सीखेंगे भी, एंड प्रैक्टिकल्स जो है ना आप लोगों ने इसको खुद भी करना है। सिर्फ आप लोगों ने इस वीडियोज़ को देखना नहीं है, आप लोगों ने इसको खुद ही करना है। सही है, तो मैं इंसर्ट क्लिक करूँगी तो आपके सामने रिबन में सारे इंसर्ट के फंक्शनलिटी नजर आ रहा है। फर्स्ट हम कवर पेज को करेंगे। सही है, हमारे पास पेज तो आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैंक हैं, एम्प्टी हैं, कुछ भी इस पर नहीं है। अगर मैं इसको कोई कलर पर कोई फिक्चर या इसको कोई कवर देना चाहती हूँ इस पेज को, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंस फॉर्मेट है पेज कवर के, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। देखते हैं, सही है ना, यहाँ पर मैं कोई टाइपिंग भी कर सकती हूँ, कोई सन वगैरह भी दे सकती हूँ, ले हैं तो डेट लूँगी यहाँ से, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे मंथ या डे। तो आप देख लें ये मेरे पास इस पेज का कवर है। इसके अलावा आप जो है ना और भी कवर जो है ना सेलेक्ट कर सकती हो, ले हैं आप जब स्क्रोल को करोगे तो दूसरा कवर को सेलेक्ट करोगे। सही है, अच्छा इसके अलावा आप इसको जो है ना देख लें, सही है देख लें डिफरेंस आप इसको फॉर्मेट दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके बाद ज़रा ब्लैंक पेज किस तरह होते हैं, ब्लैंक पेज आपके पास बाय डिफॉल्ट जो होते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं ज़रा इक्वल रैंडम के थ्रू एक पैराग्राफ ओपन किया। अब इस पैराग्राफ के देखना मैं डिफरेंस टाइपिंग करूँगी, बहुत सारे काम के लिए इसको यूज़ करूँगी। तो ज़्यादातर हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ की जाते हैं वो हमारे पास ब्लैंक पेज होता है। अच्छा ब्लैंक पेज की समझ तो आई होप आपको आ गई होगी। मैंने एक यहाँ एक न्यू ब्लैंक पेज भी ओपन कर लिया, समझ आ रही है। ब्लैंक पेज का आपके पास ये फायदा होता है, आपका मतलब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो कहीं पर भी आप इसको मतलब क्लिक करोगे तो आपके पास उसी जगह पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सही, बाकी तो हम न्यू में जाएंगे तो फिर हमारे पास दूसरी में विंडो ओपन होती है ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड में इसी डॉक्यूमेंट के इसी विंडो के अंदर एक पेज क्रिएट होती है। तो देखने में इस पर हम मुख्तलिफ टाइपिंग करती हूँ जो भी करती हूँ, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। सही, अच्छा अब ज़रा मैं ब्रेक पेज ब्रेक पर जाऊँगी। आई ऑलरेडी जो है ना हम कर भी चुके हैं, करेंगे भी। सही है, तो अब देखें अब एक ही पेज को मैंने दो में स्प्लिट अप कर दिया, समझ जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। सही है, अब मेरे पास ये है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये पैराग्राफ जो है ना दो पेज पर चले, या मैं यहाँ करूँगी तो ये पूरा नीचे चला गया और फर्स्ट पेज मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी रह गया। तो ये मेरे पास पेज ब्रेक होता है, तो आप इसको ब्रेक कहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर हो चुका होगा। अच्छा न्यू पेज मैं क्रिएट करूँगी। सही है, अच्छा और मैं इसमें इंसर्ट पर काम करूँगी। सेम इंसर्ट, अब जो है ना टेबल क्रिएट करेंगे विद डिफरेंस मेथड के थ्रू। हमारे पास बेसिकली थ्री मेथड हैं, ओके स्टूडेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आज की इस लेक्चर में हम जो है ना टेबल को बनाएंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे विद डिफरेंस मेथड के थ्रू। तो इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल को क्लिक करेंगे। सही है, एंड टेबल जो आप देख सकते हैं ना हम ड्रा भी कर सकते हैं, इस तरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट मेथड है। एंड प्रेस F1 करेंगे तो इससे भी हमारे पास टेबल क्रिएट होगा। तो देख के पास हम ज़रा
इस तरह क्रिएट करेंगे, सही है। तो आप जितने भी रो एंड कॉलम चाहिए आप इस तरह करेंगे। तो ये मेरे पास एक तरीका ये होगा। अब इसको मैं मूवमेंट भी कर सकती हूँ, सही है, मूव, या इसको मैं जो है ना बड़ा भी कर सकती हूँ, समझ जा रहे आप। यहाँ से इसको पकड़, तो ये रेज भी कर सकते हैं, रेज हमारे पास रेजर है। आप इसको इस तरह क्लिक करोगे ना तो ये आपके पास जो है ना जो भी रो कॉलम आपको चाहिए इरेज करना है तो आप यहाँ इसको कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट? तो अब देखिए ना, मैंने इस टेबल पर किया है तो हमारे पास प्रिंट फॉर्मेट एंड डिज़ाइन आ रहे हैं। इरेज करना, ड्रा करना टेबल या डिफरेंस हमारे पास इसमें और भी फॉर्मेट है। तो आप इनमें से जो भी पसंद है, जो भी कलर वाला, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम मॉडिफाई टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, इसके अंदर न्यू भी कर सकते हैं। देख ले, मैं डिफरेंस को कर रही हूँ, आप ज़रा यहाँ चेंजेस देख रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट कर दिया एंड डिलीट कर दिया, समझ आ रही है, कंट्रोल ए एंड डिलीट। अच्छा, कुछ और करेंगे, एक दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे दूसरे तरीके से, और वो हमारे पास क्या होगा, सही है, यह तो क्लियर है ना। अभी मैं जो है ना इंसर्ट टेबल, तो इस तरीके से आप जस्ट रो एंड कॉलम की काउंटिंग जो नंबर है वो एंटर करेंगे, सही है। अब मेरे पास कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 5 है, नंबर ऑफ रो मेरे पास 10 है, सही है, ऑटो फिक्स है, और मैंने ओके किया तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली बन गए। यहाँ मैं इसको बड़ा करूँगी, सही है, एंड इसको मैं मूव भी कर सकती हूँ एक जगह से दूसरी जगह। अब देखिए, मैं इसको मैं इस तरह पकड़ के मैं इसका जो रो है इसको बड़ा करूँगी। अब ज़रा कॉलम को बड़ा करते हुए देख लें, समझ आ रहे हैं? अच्छा, तो अब मैं थोड़ा सा ज़रा आप टाइम टेबल जिस तरह कॉलेज में स्कूल में बना तो वो बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ब्रेक लगाती हूँ, सही है, ब्रेक लिखती हूँ। तो अब मैंने इसको मर्ज कर दिया, आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना डिफरेंस फंक्शनलिटी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या कर लिया, ब्रेक टाइम फ्राम 10 to हमारे पास ज़्यादातर 20 मिनट 10 मिनट बस यही ब्रेक होता है तो वो करेंगे। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर आप लोगों ने फोकस करना है, क्या है, मैंने इसको कर लिया। अब मैं इसकी डायरेक्शन पर क्लिक करूँगी, जो टेक्स्ट डायरेक्शन, इनमें से आप डिफरेंस डायरेक्शन को क्लिक करेंगे। देख लेना आपने ये करना है, टॉप में करना है या कौन सा वाला। तो अब देखिए मेरे पास, अब मैं इसको ज़रा सेंटर में करूँगी, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी कंट्रोल ए, तो मेरे पास ये सेंटर में आ गया। इसको मैं ज़रा बड़ा भी कर सकती हूँ, आप अपनी मर्जी से वो सारा कुछ कर सकते हैं, सही है। तो आप देखें ना, ये हमारे पास एक टाइम टेबल है ना, टाइम टेबल हो गया ना, जिसमें दरमियान में ब्रेक होता है, हम इस तरह वो बनाते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ना हम कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, सही है। तो आप देख रहे हैं अपनी मर्जी से आप कोई भी अच्छा सा वो डिज़ाइन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। ओके, तो ये तो हमारे पास था ये। अच्छा, इंसर्ट में ज़रा एक दूसरे तीसरे तरीके करेंगे, ड्रा करेंगे टेबल को। तो आप लोगों ने बस ड्रा पर क्लिक करना है एंड पेंसिल को इस तरह खींचना है। तो अब देखिए मेरे पास ये टेबल होगा। अब इसमें मैं रो को करूँगी, तो देख लें पकड़ के आप ये खुद बहुत होगा, सही है। मैं इसको रिमूव करूँगी, देख लें मैं इसको करूँगी, मैं जितने वो जाऊँगी वो मेरे पास ऑटोमेटिकली वो सीधा लाइन बनेगा, सही है मेरे पास। और मैं इसमें ज़रा कॉलम क्रिएट करूँगी, तो मैं इसको डिफरेंस जो है ना कलर भी दे सकती हूँ इस पेंसिल को, समझ आ रही है? तो मीन देख लेना कलरफुल, मैं इसको कोई दूसरा कलर देती हूँ। अच्छा, इसका जो साइज़ है मैं इसको भी बड़ा कर सकती हूँ, मैंने इसको ज़रा मोटा कर लिया, कलर भी चेंज कर लिया, तो देख लें, समझ आ रही है? अब इस लाइन का ज़रा वो साइज़ ज़रा मोटा है ना। अच्छा, इसे मैं इरेजर के थ्रू इसको इस तरह मिटा भी सकती हूँ, ड्रा भी कर सकती हो, शेडिंग भी कर सकती हो, बॉर्डर ये सारे काम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसके अलावा जो है ना आप यहाँ पर और भी स्क्रॉल करेंगे तो नीचे और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, सही है। इंसर्ट पर आऊँगी, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, और भी जो है, चलो मैं एक पिक्चर यहाँ पर इंटर करूँगी, सही है। इंसर्ट में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।